जी हाँ, बिल्कुल ठीक देखा आपने। पूरी एक्सेस का ज्ञान आपको दूंगा, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021, दोनों का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और पूरा ज्ञान दूंगा आपको कि एक्सेस आपको कैसे चलाना है। तो अब देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से एक्सेस 2007 ओपन कर लेता हूं। तो देखिए 2007 पे काम करिए, 2021 पे काम कीजिए, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे हम टेबल बनाएंगे, कैसे हम क्वेरी लिख सकते हैं, क्वेरी के माध्यम से हम कैसे टेबल बना सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में होने वाली हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 2007। अब हमारे पास एक 2021 का भी एक्सेस ओपन होना चाहिए, तभी तो हम दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे। ठीक है, तो ये 2021 है, तो 2007 पे पहले काम करेंगे, फिर 2021 पे काम करेंगे। तो ये आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। कैसा सॉफ्टवेयर होता है ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। कैसे पता डेटाबेस होता है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, और इसमें कीज का कॉन्सेप्ट होता है, जबकि आप एक्सेल में जाएंगे तो वहां कोई की नहीं होती है, ये आपको पता ही है। ठीक है, कई वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां ब्लैंक डेटाबेस नजर आएगा, लेकिन अगर आप एक्सेल पे जाते तो वहां आपको ब्लैंक शीट नजर आता, या ब्लैंक वर्कशीट के नाम से आपको उस पर क्लिक करके नई वर्कशीट लेते हो, यहां पर आपको ब्लैंक डेटाबेस नजर आ रहा है। इस तरह के और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ओरेकल है या एसक्यूएल है, इसी तरीके से और भी डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, माई एसक्यूएल है। ठीक है, तो बहुत सारे डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं। तो डेटाबेस बिल्कुल अलग होता है किससे, स्प्रेडशीट से। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, कभी भी स्प्रेडशीट में कीज नहीं होंगी और डेटाबेस में हमेशा कीज होती हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिएगा, और क्लिक जैसे ही करेंगे ना तो यहाँ पर एक इस तरीके से आ जाएगा डेटाबेस का नाम। ठीक है, अब देखिए ये इसके फाइल की एक्सटेंशन है .accdb। ठीक है, करना क्या है, करना ये है कि यहां से क्रिएट पे क्लिक करना। आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यही नाम रखेंगे डेटाबेस 334, और यहां से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, सिनेरियो ऐसा नजर आएगा। अब यहां पे डेटा आप इंटर ही नहीं कर पाएंगे, जैसे इंटर करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे डेटा इंटर नहीं कर पाएंगे। तो फिर करना क्या पड़ेगा, तो करना ये है कि देखिए कन्वीनियंट वे ये है कि आप यहां व्यू पे जाएं, और व्यू से जाकर डिजाइन व्यू पे जाएं। डिजाइन व्यू पे जैसे जाएंगे तो कहेगा कि टेबल बनानी है, तो बिल्कुल बनानी है। तो हम ये टेबल बनाएंगे किस नाम से, सपोज कीजिए हम ये टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट के नाम से, तो ये कर दिया हमने स्टूडेंट टी कर दिया है, ताकि आपको ये पता चले कि ये टेबल है। ठीक है, और यहां से ओके कर दीजिएगा तो ये टेबल बन जाएगी। अब सिनेरियो ऐसा आ जाएगा, पहला है फील्ड नेम, दूसरा है डेटा टाइप, तीसरा है डिस्क्रिप्शन, और नीचे भी दिखाई दे रहा है फील्ड प्रॉपर्टीज, सब कुछ बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये एक छोटा सा आपको की नजर आ रहा है, की नजर आ रहा है ना, देखिए यहां पर की नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह का एक और सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, उसमें भी आप जो है कीज का कॉन्सेप्ट पाएंगे, क्योंकि वो भी एक डेटाबेस ही है, बहुत बड़ा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये काफी आसान डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, आसानी से काम इसमें कर पाएंगे आप सेम काम यहां से भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर अगर हम आते हैं तो ये 2021 है, आप ब्लैंक डेटाबेस पे जाएं, और ब्लैंक डेटाबेस पे जाके यहां पे देखिए डेटाबेस 335 आ रहा है, तो यही नाम रहने देते हैं, बाकी एक्सटेंशन तो सेम ही है .accdb आप देख सकते हैं। और यहां से क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, वही सिनेरियो यहां पर भी आएगा, और यहां से व्यू पे क्लिक करके और यहां पर टेबल का नाम दे सकते हैं। तो ये हम इसमें भी दे देते हैं स्टूडेंट, इसमें केवल स्टूडेंट दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। यही चीज यहां पर भी देखने को मिलेगी, कीज का फैक्टर यहां पर भी देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए ऊपर प्राइमरी की भी आ रहा है, और यही हाईलाइट है, यानी कि इसी को हमने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये जो प्राइमरी की है ये कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, यहां पर हम एक फील्ड नेम डालते हैं, रोल नंबर, क्या डालेंगे, रोल, और यहां एक अंडरस्कोर लगा देते हैं, ये अंडरस्कोर कहलाता है, और यहां पर नंबर हो गया, एनओ कर दिया है। ठीक है, यहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप मिलते हैं, देखिए इनको क्या कहते हैं, डेटा टाइप। यहां पर मैं लिख भी देता हूं डिस्क्रिप्शन में, ये क्या है, डेटा टाइप्स है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम ये लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन प्रिंट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर ऑटो नंबर एक दिख रहा है, तो ऑटो नंबर में खुद से नंबर ये जनरेट करेगा। ठीक है, आप नीचे देखेंगे फील्ड प्रॉपर्टी में, तो यहां पर आपको दिखेगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक एक करके बढ़ाते जाइए। ठीक है, आप इसमें सेटिंग भी कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से बढ़े। ठीक है, यहां पर देखिए ये इंक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, आप अगर इसे रैंडम कर देंगे तो ये रैंडमली प्रिंट होगा। ठीक है ना, इसमें 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 आपको इंक्रीमेंट भी दिख रहा होगा और रैंडम भी दिख रहा होगा, तो मैं इस बार रैंडम अगर कर दूंगा तो ये रैंडमली प्रिंट होगा। ठीक है, और यहां से चाहे तो आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, तो अगर मान लीजिए आप नंबर रखना चाहें इसके जगह या टेक्स्ट रखना चाहें तो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां मैंने टेक्स्ट कर दिया है, और ये प्राइमरी की ये खासियत है कि एक
वैल्यू जो एंटर हो गई इसमें वो दोबारा आप एंटर नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। यही स्थिति यहां पर भी बनेगी, यहां पर भी सेम स्थिति है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पर स्टूडेंट का नेम आएगा, तो यहां पर लिख देता हूं नेम और अंडरस्कोर लगा के लिखूंगा ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट्स का नेम आएगा और यहां पर क्या करेंगे, यहां पे टेक्स्ट डेटा टाइप हम रख देंगे, ठीक है। अब ये दो चीजें हमने यहां पे डाल दी हैं, ठीक है। यहां पर आएंगे तो यहां पर अब इनके फादर्स नेम या जो भी डिटेल है और भी डिटेल्स वगैरह ये आती रहेंगी, ठीक है। फिलहाल हम यहां पर सब्जेक्ट की डिटेल एंटर करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने कर दिया कंप्यूटर, पहला सब्जेक्ट हो गया ये जो पढ़ते हैं कंप्यूटर, तो इसका एग्जाम हुआ होगा, एग्जाम होगा तो ये नंबर पाएंगे, तो जब नंबर पाएंगे तो ये क्या होगा, नंबर डेटा टाइप हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से जाएंगे तो दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश आ जाएगा, तो इंग्लिश में भी ये नंबर पाएंगे, तो इसमें डेटा टाइप आपको नंबर ही रखना है। अगर आप टेक्स्ट रखते हैं तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है, आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे 2007 में या 2021 में, दोनों ही में। यहां पर भी सेम कहानी है, यहां पर भी ऐसे ही करके आप एंटर करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये देखिए ये हो गया, अब यहाँ पे मैथ्स कर देते हैं, तो ये हो गया मैथ्स, और यहां पर जैसे ही आते हैं ना तो ये हो जाएगा नंबर डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप, नंबर। और यहां पर आएंगे ना तो इसके बाद आएगा एसएसटी, तो एक और सब्जेक्ट हमने कर दिया एसएसटी, ठीक है, यहां पे लिख दिया एसएसटी, और यहां पर आएंगे तो इसे भी नंबर डेटा टाइप ही हम रख लेंगे, ठीक है। फिर आएंगे आगे बढ़ेंगे और अगला सब्जेक्ट यहां पर एंटर करवाएंगे, जैसे यहां पे एस सी आई ई एन सी ई साइंस कर देंगे, तो ये हो गया साइंस। और साइंस करने के बाद यहां पर आएंगे और यहां पर आने के बाद यहां से नंबर डेटा टाइप रख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं पांच सब्जेक्ट हो गए हैं, और फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स आएगा, ठीक है। तो टोटल मार्क्स जैसे आप एक्सेल में कैलकुलेट करते थे वैसे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कैलकुलेट करने के लिए कोई अलग से डेटा टाइप मिलेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर एक अटैचमेंट डेटा टाइप भी ले सकते हैं जिसमें स्टूडेंट की फोटो लगा सकते हैं, ठीक है, थीके? तो आपकी इच्छा आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर अटैचमेंट भी लिया जा सकता है, फिलहाल हम नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर एवरेज मार्क्स निकालेंगे स्टूडेंट का, क्या निकालेंगे, एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो ये कर दिया एवरेज मार्क्स, अब ये सारी चीजें यहाँ पे निकालनी है, और ये जो डेटा टाइप है ना इसे भी हम नंबर ही रख लेंगे, ये टेक्स्ट न रख करके क्या रखेंगे, नंबर रखेंगे, और एवरेज मार्क्स को भी हम नंबर ही रख लेंगे। जब आप 2021 में जाते हैं तो भी ऐसा ही सिनेरियो आता है, लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। ये हो गया रोल नंबर, और रोल नंबर को चलिए हम इसमें भी शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर जब थे हम 2007 में तो हमें टेक्स्ट मिल रहा था डेटा टाइप, इसमें कहीं शॉर्ट टेक्स्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टेक्स्ट का भी जो है एक डेटा टाइप मिल जाता है, शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट ये अलग से मिल जाता है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं शॉर्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे कर देते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आपको कर देना है, और ये करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लेना है। फिर यहाँ पर वही सब्जेक्ट की कंप्यूटर हो जाएगा, फिर यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा, और डेटा टाइप हमको नंबर ही लेना है, ठीक है, ये ध्यान देना है कि डेटा टाइप हम नंबर ही लें। मैं अभी इसे चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे एसएसटी हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर मैथ्स हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर साइंस हो गया एस सी आई ई एन सी ई साइंस हो गया, ठीक है। तो ये कुल मिला के पांच सब्जेक्ट हो गए, और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे टोटल मार्क्स हो जाएगा, तो ये हो गया टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आएंगे जो भी होंगे, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको लेके आने हैं, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर एवरेज मार्क्स भी लाने हैं, तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स कर देते हैं, तो ये एवरेज मार्क्स हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, नंबर डेटा टाइप में। तो यहां से चलेंगे नंबर बना लेंगे, इसे इसे तो नहीं बनाना है नंबर, इसे तो शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है, लेकिन इसे नंबर बनाना है, तो इसे जाकर के यहां से नंबर बनाइए, इसको भी नंबर बनाना है, यानी जितना भी मार्क्स हमें देना है उस सबको हमें क्या करना है, नंबर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे कि मैं करता चला जा रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही आप भी करिएगा, ठीक है। यहां से आएंगे तो ये आप एवरेज मार्क्स पे आएंगे, तो यहां पर आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई कैलकुलेट करने के लिए अलग से डेटा टाइप हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन जब 2021 में आते हैं तो यहां पर हमें अलग से डेटा टाइप भी दिखेगा कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप पे आ जाएंगे, यानी कैलकुलेट करने का काम यहीं से कर लेंगे, अलग से क्वेरी बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन होगा, और एक्सप्रेशन बिल्डर में क्या करना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और सारे सब्जेक्ट का नाम इसी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए। जैसे पहला सब्जेक्ट था कंप्यूटर, तो यहाँ पे कंप्यूटर डाल दिया हमने, और फिर प्लस का निशान लगाइएगा, और प्लस का निशान लगा करके दूसरे सब्जेक्ट का नाम था इंग्लिश, तो ये इंग्लिश लिख दिया। सीक्वेंस आप इधर उधर कर सकते हैं, जैसे स्पेलिंग में मिस्टेक मत कीजिएगा, जैसे अब एसएसटी है तो मैं एसएसटी की जगह यहाँ मैथ्स लिख दूं तो अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। ये मैथ्स लिख दिया हमने, और मैथ्स लिखने के बाद अब एसएसटी लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एसएसटी लिख रहा हूँ, फिर प्लस का निशान लगाइएगा, और प्लस का निशान लगा करके
फिर क्या करना है, यहाँ पे साइंस दे देना है, एस सी आई ई एन सी ई, ये हो गया साइंस, और साइंस दे करके यहाँ से ओके कर देना है, तो ये ओके हो गया। अब फिर इसी तरीके से एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट कर लेना है, तो ये हो गया कैलकुलेटेड डेटा टाइप, और यहाँ पर अब एवरेज मार्क्स हमें कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर टोटल के ही अंदर हमारा एवरेज भी छिपा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, एम ए आर के एस, ठीक है, और ये लिख करके, और जरा गिनिए कितने सब्जेक्ट हैं, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो हमें 5 से इसे सिंपली डिवाइड कर देना है, हमारा एवरेज मार्क्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सेम यही काम हमें यहाँ भी करना होगा, लेकिन यहाँ पर तो वो डेटा टाइप ही हमें नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए इसको हम ओके करते हैं, और यहाँ पर का तरीका समझते हैं कि यहाँ पर क्या चेंजेस हैं और वहां पर क्या आसानी है हमें 2021 में। तो इसको हम ऐसे ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ रोल नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, तो यहाँ रोल नंबर में 1 डाल दिया हमने, ठीक है, स्टूडेंट में राम डाल दिया, और यहाँ पे अब मार्क्स आउट ऑफ 100 हम मार्क्स यहाँ पे डालते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये मार्क्स यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे देखिए ना तो टोटल मार्क्स आ रहा है हमारा, और ना ही यहाँ पे एवरेज मार्क्स आ रहा है, दोनों में से कोई भी यहाँ पे हमें कैलकुलेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरा भी डाल दिया, रोल नंबर 2 डाल दिया, यहाँ पे रितेश अगला नाम हमने डाल दिया, और रितेश डाल करके यहाँ पे इनके मार्क्स भी यहाँ पे डालते चले जाएंगे। तो ये देखिए ये मार्क्स भी हमने डाल दिए, और मार्क्स डालने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल कैलकुलेट नहीं हो रहा है, नहीं एवरेज मार्क्स कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन इन द केस ऑफ 2021 में आप देखेंगे कि ये हो गया। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिए आप, और व्यू पे क्लिक करने के बाद ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब आप कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेंगे तो कैलकुलेट आप पहले ही कर लेंगे, तो यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी हमें रोल नंबर डालना है, तो मान लीजिए रोल नंबर 1 डाल दिया हमने, और यहाँ से आए स्टूडेंट का नाम वही डाल देते हैं राम, और यहाँ पे मार्क्स वगैरह डालते जाना है हमें। ठीक है, और यहाँ पर जरा देखिएगा कैलकुलेट अपने आप कर रहा है, ये देख रहे हैं, यानी हमने कोई क्वेरी इसमें नहीं बनाई है 2021 में, लेकिन बात करें हम 2007 में, तो इसके लिए हमें अलग से क्वेरी बनाने की जरूरत है। तो क्वेरी कैसे बनेगी, तो क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, देखिए यहाँ क्वेरी डिजाइन नजर आएगा आपको, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आकर के ऐड करवा लीजिएगा इस टेबल को। ठीक है, आपके पास एक से अधिक टेबल है तो उसको भी ऐड करा सकते हैं। अब इन सारे फील्ड्स को हम लेके आएंगे यहाँ पर। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, पहले तो टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है, तो टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ कैसे कैसे आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे कॉलन लगाइएगा, कॉलन यानी 2 पॉइंट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है पहले सब्जेक्ट का नाम कंप्यूटर, ये लिख दिया, फिर यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट का नाम, प्लस का निशान लगाएंगे पहले, और यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश, तो यहाँ पे ई एन जी एल आई एस एच, आप सीक्वेंस इधर उधर कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश के बाद मैथ्स है तो मैथ्स के जगह SST ही क्यों ना लिख दें, तो कोई एरर नहीं आएगा, तो भी आपका कैलकुलेशन तो प्रॉपरली ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर मैथ्स लिख रहा हूं, यानी मैथ्स बाद में लिख रहा हूं, पहले ही SST लिख दिया, तो जो है सब्जेक्ट उसी का मार्क्स ही ऐड करेगा। ठीक है, आप केवल नेम दे देंगे, फील्ड नेम, तो उसे ये ऐड कर लेगा, फील्ड नेम ये पहचान होती है इस बात की कि इसी का मार्क्स आप ऐड करिए, आप अपने एक्सेस सॉफ्टवेयर को ये बताते हैं। ठीक है, तो मैथ्स होने के बाद अब क्या करना है, साइंस यहाँ पे लिखना है SCIENCE, तो कुल मिला के हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो अब क्या करना है, यहाँ से ओके करना है, और ओके करके यहाँ से रन पे क्लिक करना है, रन पे क्लिक करते ही देखिए ये टोटल मार्क्स आया हुआ है, देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गया ना। अब देखिए चूंकि एवरेज मार्क्स हमारा आया नहीं है, तो एवरेज मार्क्स को भी लेके आना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, तो अब एवरेज मार्क्स की तरफ बढ़ेंगे, ये देखिए ये आए, और इसे बुलेटिन पे लेंगे ऐसे, और यहाँ पे एवरेज मार्क्स, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स में ही हमारा क्या होगा, एवरेज मार्क्स छिपा होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल अंडरस्कोर मार्क्स MARKS, और इसको बंद करेंगे, और यहाँ से 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर एवरेज मार्क्स भी कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पर ये एवरेज मार्क्स भी कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे रितेश देता हूं मैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सब कुछ कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा आपको, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें अलग से क्वेरी बनानी पड़ी, जबकि 2021 में आपको कोई क्वेरी बनाने की जरूरत नहीं है, और भी जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो रहे हैं। साथ ही साथ एक्सेल आपने यूज किया होगा, ज्यादातर आप एक्सेल ही यूज करते हैं, तो एक्सेल में क्या खासियत है और यहां पर क्या आपको कन्वीनियंस है, ये आपको पता चल रहा होगा। आप देखिए प्राइमरी की का फायदा क्या, अगर आप चाहें तो एक यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी रिपीट कर दिया है, और इसे हमने क्या बनाया था, प्राइमरी की बनाया था, तो क्या इसे रिपीट किया जा सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते आप, तो आप कहेंगे कि अभी तो रिपीट कर रहे हैं आप, तो अगले स्टूडेंट का नाम मान लीजिए युवराज है, और इनके मार्क्स यहां पर मैं दे रहा हूं, जरा देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ये आ गया। अब ये सब कुछ कैलकुलेट होने के बाद ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड
टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल। अब ये तब तक एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक आप ये वन हटाएंगे नहीं, ठीक है। तो प्राइमरी की का यही महत्व है, और एक्सेल में इस तरह की कोई भी प्राइमरी की नहीं होती है। उम्मीद करता हूं ये पूरी डिटेल वीडियो आपको जरूर समझ में आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो एक्सेस को लेकर के मन में तो जरूर पूछिएगा कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए, इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।